बहने आप बहनों आप समझिए, सोचिए क्या होने जा रहा है। करोड़ों परिवारों को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट हर महीने मिलने जा रहे हैं। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए पहली तारीख हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में। एक झटके से हिंदुस्तान में, तेलंगाना में गरीबी को हम मिटा देंगे। उसके बाद होगा क्या मैं बताता हूं। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे, आप शर्ट पैंट दवाई ये चीजें खरीदोगे, और हिंदुस्तान की कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां ये माल बनाएंगी। जैसे ही वो कंपनियां ये काम करना शुरू करेंगी, आपके बच्चों को उन्हीं कंपनियों में रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट कर रहे हैं, मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। नरेंद्र मोदी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया, नोटबंदी अदानी के लिए की, गलत जीएसटी अदानी के लिए की। अब हम एक नई योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की, मतलब एक साल के लिए इन कंपनियों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को हम अधिकार देने जा रहे हैं। एक साल की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग, और एक साल में 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। भाइयों और बहनों, इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं दी। 15 अगस्त तक हम इन पे कार्रवाई करके ये जो नौकरियां हैं आपके हवाले शुरू कर देंगे, देना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, किसानों को नरेंद्र मोदी ने खूब तंग किया, अरबपतियों का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। हमारी सरकार आएगी, पहला काम किसानों का कर्जा माफ होगा, और जो और आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए आज नरेंद्र मोदी सही दाम नहीं दिलवाते हैं। हम कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कानून के मुताबिक आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए कम से कम दाम गारंटी करके मिलेगा। भाइयों और बहनों, मजदूरों को आज मनरेगा में 2,250 रुपए मिलते हैं, सरकार आने के बाद उनको 400 रुपए मनरेगा के लिए मिलेंगे, और जो आशा और आंगनवाड़ी में महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, एक लाइन में मैं आपको इंडिया सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों को दिया है, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। अंत में भाइयों और बहनों, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है। रिजर्वेशन की रक्षा करनी है, पब्लिक सेक्टर की रक्षा करनी है, किसानों, मजदूरों, बेरोजगार लोगों को की रक्षा करनी है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तेलंगाना हमारी पूरी टीम यहां पे आपके लिए काम कर रही है। 30,000 रोजगार दिए आपको, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 10,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, महिलाओं को फ्री में बस ट्रांसपोर्ट, 200 यूनिट फ्री बिजली, रायतु भरोसा का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज किया, और पोडू जमीन, पोडू लैंड की इशू को रिजोल्व कर रहे हैं। 18 अगस्त तक आपको 2,00,000 रुपए का लोन वेवर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी टीम काम कर रही है, दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूँ, जो भी तेलंगाना की जनता को जरूरत होगी मैं आपके लिए दिल्ली में करने को तैयार हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय तेलंगाना, जय हिंद। देश बाजार लो प्रेम अने दुकाणा तेरव मैं वाऊ, मी अंदर की धन्यवाद, नमस्ते।